जा, ये देखो गाइस क्या कर रहे हैं विधि, हम चलते हैं। हम तो गाइस अब पागल हो गए हैं। आज हमारा फर्स्ट एग्जाम है, वैसे आज एग्जाम नहीं, आज प्रैक्टिकल है। एंड मेरी तबीयत गाइस अभी भी ठीक नहीं हुई है, मुझे एकदम ही कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है आसपास। सो अभी मैं जो है इन लोगों का वेट कर रही हूँ, पता नहीं कब लोग आएंगे, ये लोग कब तक आएंगे आई मीन। और दवाई तो मैं खा के आई हूँ, एंड मेरा दिमाग हैंग हो रहा है गाइस, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। तो आज तो प्रैक्टिकल में देखते हैं क्या होता है, ठीक है गाइस। आज हमारा प्रैक्टिकल है जैसे मैंने आपको बताया। तो इन ये तो टॉपर हैं तीनों के तीनों, उनको सब आते हैं तभी ऐसी हरकतें कर रही है। देखो ये तुम पागल वागल हो, ये कॉलेज जा, ये देखो गाइस क्या कर रहे हैं विधि, हम चलते हैं, हम तो अच्छे बच्चे, हमें इनके मुँह नहीं लगते हैं, चला जाओ। मैं भगवान छिछी गाइस पागल हो गए, फिर से भूख लगने लग गई, मैं घर से ना गाइस। ये तो कैंटीन के लिए आई थी कॉलेज, इसने पहले ही व्लॉग में बोल दिया था इसको भूख लग रही है अब। हमारा पॉपर्ट हो चुका है, जिस बिल्डिंग में हम गए थे एकेडमिक ब्लॉक सोच के, वो एडमिन ब्लॉक निकला। एंड पता नहीं कहाँ है, कुछ नहीं पता चल रहा है कि कहाँ जाना है। एंड यार मेरी सांस भी फूल रही है, मेरी ना बिल्कुल तबीयत अच्छी नहीं हो रही, चलने का मन नहीं कर रहा, बट फिर भी क्या करें। सांस तो पतली है, कहाँ से फूली तेरी सांस? चपट चपट कटप्पा मारूंगी फेंक के तेरे मुंह। खटप्पा गाइस, जब मैं सबके साथ होती तो मुझे ब्लॉग बनाने में इतना वो नहीं होती, मैं अकेले होती ना, मैं कैमरा खोलती मुझे शर्म आती कि सब लोग मुझे देख रहे हैं। जब अकेली होती हूँ तब शर्म आती है कि सब। अरे जैसे तो अभी तुम मेरे साथ हो तो मैं व्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि मुझे अब उतना होने की लोग मुझे देखने नहीं देख रहे। जब अकेले होती देखना कोई देख भी नहीं रहा था, जबरदस्ती बोल रही देखो रहा देखो रहा, लोग देखने लग गए क्या देख रहे। तो गाइस ये है हमारी ग्रुप स्टडी, ये नोट्स बना रही है, वो पढ़ रही है, मैं भी पढ़ूंगी। ये है दूसरी बंदी। प्रैक्टिकल जो है वो कैंसिल नहीं हुआ है, पोस्टपोन हुआ है, क्योंकि अभी हमारा जो सिस्टम है सॉफ्टवेयर अभी वो परचेजिंग में है। हाँ, और जब तो, वो पूरा वो हो जाएगा तो तब जब वो आ जाएगा फिर होगा, फिर होगा हमारा प्रैक्टिकल। तो मानसी भी खरीद। सो गाइस अब ये बता रहे हैं कि ये स्कूल में क्या क्या कट्टी और अप्पा अप्पा कैसे करते थे, बताओ कैसे करते थे। आम दाम तोता बोले 100 साल की कट्टी, ऐसे करते थे बोलते थे हम। मछली चला रहे हो की अप्पा, हाँ ऐसा था तुम्हारे उसमें। हाँ। हमारे उसमें ऐसा था, कैसा होता था बताओ क्या। आम दाम काली माता चावल, नहीं नहीं सॉरी, आम दाम काली माता चावल पानी कट्टी, ऐसे करते थे। और अप्पा अप्पा ऐसे करते थे, ऐसे ऐसे करते थे अब्बा अब्बा ना हम तो ऐसे करना अब्बा अब्बा नहीं हम अप्पा ऐसे, ये अब्बा बोलती थी भाई, अभी अप्पा ऐसे बोलते हैं। उसके बाद गाइस शाम को मैं वॉकिंग करते हुए गई थी नारियल पानी पीने के लिए। एंड उसके बाद घर आने के बाद मैंने करी थोड़ी बहुत पढ़ाई, अगले दिन था मेरा एग्जाम, फोटोग्राफी का एग्जाम भी था और प्रैक्टिकल भी था, जो आप आगे व्लॉग में देखोगे। The next day. साढ़े ग्यारह पेपर है गाइस हमारा। गाइस हमारा एडमिट कार्ड नहीं निकल रहा था, हमने बड़ी मुश्किल से निकलवाया बड़ी मुश्किल से निकल प्रिंटर से खींच के, और अभी हमें कुछ नहीं आता पेपर, हम ऐसे ही जा रहे देने। अपना एग्जाम दे के आ चुके हैं, पेपर अच्छा गया, ठीक गया मतलब। एंड अभी हमारा प्रैक्टिकल है फोटोग्राफी का, एग्ज़ाम भी आज था, प्रैक्टिकल भी आज है, तो अभी हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं। हम तीन जनों ने एक कैमरा इशू करा रखा है, तो हम पहले प्रैक्टिकल करते हैं उसके बाद मिलते हैं। तनुश्री खेल रही है कुत्ते के साथ, कनक विधि को देख के हैरान परेशान है, विधि दुनिया जहाँ से अलग, पता नहीं क्या फ़ोटो खींचने के लिए बोला और क्या खींच रही है, छोड़ो हमें क्या। वो बेचारा बच्चा अकेले चलता हुआ, कोई नहीं गाइस, बेचारे को उसके टीम वाले नहीं मिले होंगे। इधर कॉलेज के और बच्चों का सही है, भयंकर मस्त करके पेपर हुआ, अब हो गया जैसा भी हुआ, मस्त चले हैं। और एक हमारा प्रैक्टिकल भी चल रहा है यार, मुसीबतें ही हैं। देखा छी आ रही बोलना था जब मैं देखो गाइस क्या दिन आ गए हमारे, ना पड़ता है यहाँ पे ये फ्रीजर ड्रॉपलेट वाली फोटो खींचने के लिए, यहाँ पाइप खींच के बिल्कुल फ्रीजोग्राफी का सेशन यही चल रहा। बाबुल की दुआएं ले चली, ये फोटोग्राफर। सो गाइस अब पागल हो गए
पागल हो गए भूख के बारे में, मुझे भूख लग रही है। फोटो दिखाओ गाइस, मेरी फोटो लैंडस्केप में मुझे गाइस, मैं इनकी मॉडल थी। ये देखो गाइस मेरी फोटो, और भी तो ली थी दूसरी, देखा ना मिड क्लोजअप ले 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 दिखा ना। अरे दिखाने के मत करो 7 hours later मार्केट गई थी, मार्केट से वापस आई। मार्केट का व्लॉग नहीं बनाया इसलिए क्योंकि वहाँ बहुत भीड़ हो रही थी गाइस, इसलिए मैंने वहाँ पे फ़ोन तो खोला ही नहीं, बस एक पेमेंट करने के लिए खोल ली थी। एंड अभी मैं आके चाय बना रही हूँ एंड सारा सब्जी वगैरह मैंने सेट कर लिया है। ये थोड़े बहुत फ्रूट्स लेके आई हूँ मैं एंड ये थोड़ी सब्जियाँ हैं, थोड़ी सब्जियाँ मैंने सेट करके रख दी हैं। एंड गाइज मैं ये क्रीम रोल लेके आई हूँ, मुझे बहुत पसंद है तो वहाँ पर मार्केट में था तो मैं ये लेके आई। एंड ये बिस्किट जो होते हैं ना ये वाले, ये लेके आई, और थोड़े मेरे वहाँ भी पड़े हैं क्योंकि मुझे चाय के साथ पीने में सही, खाने में सही लगता है, तो अभी मैं चाय बना रही हूँ। एंड बर्तन तो मैं सारे धोके गई थी। द नेक्स्ट डे गाइस तुम्हारा पेपर कैसा गया? ठीक ठाक। एंड आने के बाद मैंने टी शर्ट पहन ली है गाइस, क्योंकि मैं कॉलेज लाइक जैकेट पहन के गई, मुझे इतनी गर्मी लगी, मतलब गर्मियाँ आ ही गई हैं, ऑफकोर्स मार्च आ गया है तो गर्मियाँ आ ही गई हैं। तो अभी मैं खाना बना रही हूँ दाल चावल। तो चलो अब खाते हैं, टेस्ट करके बताते हैं। एंड बेड में बैठ के इसलिए खा रही हूँ क्योंकि मेरे पास मैट नहीं है, तो मैट मैं घर से मंगाऊंगी फिर नीचे बैठ के खाऊंगी, मुझे पता है बेड में बैठ के नहीं खाते हैं। तो ठीक है, कैसा हो रहा है? गर्म है यार बहुत। यार जो भी कहो घर का खाना ना घर का ही होता है, लाइक लिटरली यार गाइस सच में, बाहर के कितने मोमो खा लो चाउमीन खा लो ना, बट जो घर के खाने का टेस्ट है ना कोई मैच नहीं कर सकता है। तो अभी मैं चलो खाती हूँ खाना। खाना खाने के बाद मीठा खाने की बहुत क्रेविंग होती है आजकल, तो मैं जो कल वो लेके आई थी ना, क्या बोलते थे इसको, नाम भूल गई, क्या बोलते थे, क्रीम रोल, हाँ क्रीम रोल, तो ये मैंने आधा लिया, मैं इसको खा लेती हूँ ताकि मेरी क्रेविंग मिट जाए। गाइस देखो कैसा हो रहा है, ये पागल हो गई हूँ मैं। हाँ तो मैं क्या बोल रही थी, हाँ तो दैट इज़ फॉर टुडेज ब्लॉग गाइज, आई रियली होप आपको ऐसे ब्लॉग पसंद आ रहे होंगे। एंड अगर आ रहे हैं तो डू लाइक कॉमेंट शेयर एंड और आपको क्या देखना है चैनल पे मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना। तब तक ले बाय बाय, लव यू।